महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। पलवल के पंचोटी मंदिर में शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए पंचोटी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में नजर आई और शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। पंचोटी मंदिर के महंत श्री कुमार दास ने बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला व्यक्ति अखंड सौभाग्य प्राप्त करता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए भक्तजन भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से हमें मानव जीवन मिलता है। यह मानव जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। भगवान भी मानव जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ही यह संभव है। भगवान शिव भोले हैं, उनको बेल पत्र चढ़ाकर व श्रद्धा सुमन भेंट कर प्रसन्न किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि पर महाभियोग बन रहा है। इस दिन 5 ग्रहों की पुनरावृत्ति होने के साथ ही शनि और चंद्र मकर राशि में तो गुरु धनु में, बुध कुंभ राशि में तथा शुक्र मीन राशि में रहेंगे। भगवान शंकर की जो परंपरा है, यह इनके आशीर्वाद प्राप्त करने वाला व्यक्ति हमेशा अखंड सौभाग्यवती होता है। इसलिए माताएं और दाम्पत्य जीवन में सुख बिताने वाले और चिरायु सुख प्राप्त करने वाले इस मानव तन, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है, मानव जीवन दुर्लभ इसलिए है कि मनुष्य देवता भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए वो ललायित रहते हैं। तो आज का जो अनुष्ठान है, आज का यह महाव्रत है, आज का व्रत एक महायोग भी आज मिल रहा है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ये सब देखते हुए आज का बहुत बड़ा अपने आप में तो महाशिवरात्रि योग है ही है, लेकिन जो आज पूजा हम करेंगे और भगवान की पूजा के लिए देखिए हमारे यहाँ भांग धतूरा जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये सब वस्तुएँ भी भगवान स्वीकार करते हैं महादेव। श्रद्धालुओं ने कहा कि पंचोटी मंदिर पलवल का ऐतिहासिक मंदिर है जिसमें भगवान हनुमान व भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। मान्यता है कि पंचोटी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने अपने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है और व्रत रखकर महाशिवरात्रि के त्योहार को मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में महाशिवरात्रि के दिन काफी उत्साह व जोश भरा हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। पंचवटी धाम मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है पलवल का। इस पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत उत्साह है, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध से भोले जी का वो कर रहे हैं अभिषेक। तो इस तरीका से बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हुए हैं।